watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. और मसला पूछा है कि एक साहब पूछ रहे हैं कि उनकी अपने एक बेवा कज़न खान से शादी हुई, चचाजात बहन जो बेवा हो गई थी उनसे शादी हुई है और उन्होंने वो शादी की है और ख़ानदान में आम नहीं किया और आपस में शरी गवाहों के साथ निकाह कर लिया है। और अब पूछ रहे हैं कि अब किसी ने बताया कि निकाह में ऐलान वाजिब है और जब तक ऐलान ना हो तुम्हारा निकाह नहीं हुआ और तुम्हारा आपस में रहना ये मियाँ बीवी की हैसियत से जायज़ नहीं है, हराम है, ये किसी ने बताया है, तो क्या ऐसा ये बात दुरुस्त है? जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। अगर इनका निकाह आपस में हुआ और गवाहों की मौजूदगी में हुआ है, गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल हो गया है दो गवाह, निकाह में याद रखें कि मियाँ बीवी यानी मर्द औरत का मुसलमान होना और इजाब व कबूल, मैंने तुमसे निकाह किया, आगे वाले का कहना मैंने कबूल किया, इस तरह के अल्फाज खुद या वकील के ज़रिए से कहलवाना और इन बातों का दो गवाहों मुसलमान गवाहों का सुन लेना, बस यही काफ़ी है, यही इसका ऐलान है। और बाकी मस्जिद में होना या और बरादरी में मालूमात आम होना ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन निकाह का लाजमी हिस्सा नहीं है। लिहाजा मस्कुरा मर्द औरत का निकाह दुरुस्त हो गया।